अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो हम लोगों ने स्टे किया हुआ है, कैंपिंग की हुई है राकापोशी के बिल्कुल पास, बेस वन के बिल्कुल नीचे। और इस वक्त टाइम है सुबह के 6:30 AM। मेरे फ्रेंड जो हैं वो सो रहे हैं कैंप के अंदर, और मैंने भी कर रहा है कि मैं कुछ एक्सप्लोर करूँ इस राकापोशी के पास जो ग्लेशियर्स हैं। जहाँ तक मुमकिन हो मैं बैग लेके जाऊँगा, और मैंने अपने हेलमेट पर गोप्रो माउंट कर लिया है ताकि मेरे हैंड्स फ्री रहें और मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूँ अपने कैमरे के अंदर। सो लेट्स सी कहाँ तक मैं अपनी बाइक को ले के जा सकता हूँ। सो व्यूअर्स, ट्रैकिंग शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग बाइक पे यहाँ पे जाएं, इसको ट्रैक करें बाइक पे, क्योंकि ये ख़तरनाक ट्रैकिंग है और ख़तरनाक रास्ता था बाइक के लिए। सो अगर आप जाएं तो आप अपने बिहाफ पे जाएंगे। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को प्रवोक या फिर आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ पर बाइक पे जाएं। अभी तक ओके है, पत्थर काफ़ी आ रहे हैं पर बाइक चल रही है 10-12 और मैक्सिमम 20 स्पीड से। लेकिन ऐसा रास्ता भी नहीं है कि यहाँ पर बाइक बता सकें। सो लेट्स सी कि कहाँ तक इस बाइक को मैं लेके जाता हूँ। और हाँ, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की भी है, GoPro में फीचर है हाइपर स्मूथ, तो ये फुटेज बहुत स्टेबल होगी रिकॉर्डिंग देखेंगे इसको। लेकिन इस वक्त बहुत जगड़ा से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरा हैंडल कैसे चेक कर रहे हैं अगर वीडियो में नज़र आ रहा है तो। और साइड पे बहुत खूबसूरत सीनरी है, ग्रीनरी है, साथ पानी बह रहा है, राकापोशी के जो ग्लेशियर्स हैं वो बह के पानी आ रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। यहाँ पर टर्न आ गया लेफ्ट का, दूसरी साइड भी आ गई है इसकी। अब तो जो हमारे खाई थे वो लेफ्ट साइड पे आ गई है, इधर राइट साइड पे थी। ऐसा थोड़ा यहाँ से नैरो हो गया, फिर भी अच्छा रास्ता है।
खतरनाक नहीं है। लकड़ी के दरख्त यहाँ पे कटे पड़े हैं, यानी कि यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। वाह,
जाना मुश्किल हो गया, बहुत पत्थर पड़े हुए, पैर भी नहीं लग रहे मुझे। ट्राई करता हूँ, बड़े इसकी अभी हम हो रहा बहुत। पैर स्लिप कर रहा है। रास्ता वैसे ये था पैदल का, बाइक में ले आया हूँ, अब आगे नहीं जा रही बाइक। यहाँ पर बाइक पार्क कर घूमो कहीं पे और घूमोगे। बड़ा कोशिश करता हूँ, ये लैंड नहीं हुई है। प्यास में शुरू हो गई, पानी भी लेके नहीं आया। पत्थर हैं बहुत यहाँ पे, इसकी वजह से बाइक चल नहीं रही, जगह नहीं मिल रही इसको। ये पत्थर अड़वे रहे हैं, ये अड़ा हुआ पत्थर, यहाँ स्किड कर दिया बाइक। ये लैंड शाइनिंग हुई है इसकी वजह से इस तरह रास्ता ख़राब हो गया, उन रास्ता ऐसा ख़राब था नहीं। वो सामने राकापोशी है, नीचे बेस का मन था बहुत पीछे राकापोशी का, मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ। अनसेफ तो नहीं है, सेफ ही है, बस बाइक ट्रैक नहीं है तो थोड़ा मसला पड़ रहा है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ।
पत्थर बहुत है जिसकी वजह से आ गए, बाइक बहुत स्लिप कर रही है, बारिश की वजह से गीले भी हैं पत्थर वैसे आगे। ठीक है यहाँ पे बहुत स्लिप कर रही है बाइक, दोबारा ट्राई करता हूँ। देख के आते हैं यहाँ से, बाइक में निकल भी गई तो मुश्किल हो रहा है बहुत निकलना, तो आगे ट्रैक का क्या सीन है। ओह ये तो मुश्किल है, यहाँ पे आगे थोड़ा बेहतर है। वो नीचे वहाँ पे है जहाँ हमने कैंपिंग की हुई है, नहीं आगे भाई आ भी गई तो आगे जाना मुश्किल है, बहुत पत्थर हैं आगे और आगे तो रास्ता बंद हुआ है लैंड फ्लाइंड की वजह से, फिर भी मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ। वो सामने राकापोशी है, बस यही रास्ता है। लग रहा है कोई जानवर ना है यहाँ पे, अकेला हूँ बिल्कुल मैं, पास के पास वेपन भी नहीं है या कुछ और जिससे मैं अपने आप को बचा सकूँ। प्यास भी बहुत लग रही है। अच्छा यहाँ पे आए हुए हैं कुछ लोग क्योंकि उन्होंने लकड़ियाँ तो काटी हुई हैं, ये देखें लकड़ियाँ पड़ी हुई नहीं जी, बस ये सब मैक्सिमम है। आगे अगर मैं बैग ले भी आता तो इन पत्थर से निकलना नामुमकिन था। जहाँ से निकलना वैसे भी आगे तो नामुमकिन है क्योंकि सारी लाइन छुटी हुई हुई है। इम्पॉसिबल आगे जाना,
भाई क्या पैदल मुझे नामुमकिन लग रहा है। आगे रास्ता पता नहीं है भी कि नहीं, नहीं बस रास्ता यहाँ तक ही है, ऊपर रास्ता पैदल का है। चलो वापस चलते हैं बाइक के पास। पहन लेता हूँ मैं, बाइक मेरी गिर गई है, अभी गिर गई है, चलने मेरी कॉल भी हो गई है, ओवर ना हो जाए। शिट, शीशा भी टूट गया मेरा, अल्लाह खैर। पत्थर गिरे हैं ना, इसकी गिर गई तो कुछ भी करते हैं, शीशा लेने की जरूरत तो नहीं है, पहले ही मैं इस पर ऐसी लगा चुका हूँ, टूट चुका पहले ही, कर लेता हूँ। पैर तो लग जाए, अब काम तो यहाँ से भाई मोड़ना, नहीं भाई मोड़नी कैसे यहाँ से, और स्टार्ट भी होगी कि नहीं होगी, गिरने के बाद तो भाई कवर रहती है। साथ ही बादल ऊपर तो मेरे पास नजर आ रहे हैं, ये जी रकापोशी का व्यू पॉइंट है, वो सामने रकापोशी है, ऊपर बादल हैं, अच्छी से नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह हैं, और इस रास्ते पे मैं आया हूँ बाइक पे, रास्ता तो पैदल का है लेकिन मैं बाइक पे आ गया हूँ, वो ऐसे नीचे जा रहा है सारा, इतना बुरा रास्ता है ये, नीचे हमने कैबिन की हुई है और ये सामने पास मेरे क्लाउड्स हैं बिल्कुल बिल्कुल पास। चलो हम बाइक को रिवर्स ही आएगी तो लग रहा है, मेरी जगह नहीं है मोड़ने की।
ही खतरनाक है। मैं भी उतराई मुझे इतना प्यार प्यार से करना पड़ेगा। GoPro की बैटरी एंड हो गई है, मैं नीचे जा रहा हूँ। रास्ता वही है जहाँ से ऊपर आया था, ऐसी बात है तो दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको लोगों को। खैर बाइक पे बंदा आ सकता है लेकिन सिंगल बंदा आए डबलिंग करके ना आए, और बाइक भी कोई अच्छी हो तो बेहतर है, ऑफ रोड हो या फिर जो भी हो थोड़ी पावरफुल बाइक हो। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो ट्रैकिंग का तो मैं ज़रूर उसको पढ़ना चाहूँगा। और साथ ही लेफ्ट साइड पे एक प्लेलिस्ट मौजूद है इस पूरे टूर की, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें बहुत सी खूबसूरत वीडियो मौजूद हैं इस पूरे टूर की। थैंक यू सो मच।